हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन का अदर फाइल को डिलीट कर सकते हो। अदर फाइल एक डिलीटेड ट्रैश फाइल होता है जो कि हमारे फ़ोन को काफ़ी स्लो करता रहता है और इसका कोई यूज भी नहीं होता है और हमारे फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज खा जाता है। तो आप कैसे बिना किसी एप्लीकेशन को यूज करें इस फाइल को अपने फ़ोन से डिलीट कर सकते हो और अपने स्टोरेज को बचा सकते हो, अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हो, तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने चैलेंज लिया कि अगले 30 दिन तक आपको 30 टेक रिलेटेड वीडियो देने वाला हूँ, तो आप भी इस चैलेंज में जुड़ सकते हो। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एनके, आप देख रहे हैं टेक विथ एनके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन में कितना स्टोरेज है और कितना अदर फाइल है। तो चलिए सेटिंग में जाके यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाके और यहाँ पे देख लेते हैं कितना स्टोरेज है मेरे फ़ोन में और कितना अदर फाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे फ़ोन का स्टोरेज मेरे फ़ोन में 20 GB अवेलेबल है और अदर फाइल आपको दिखा रहा होगा 14.83 GB। और यहाँ पे दूसरा इंफॉर्मेशन भी है। तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसको कैसे क्लीन कर सकते हो और अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है और आप इसको कहीं ढूंढ भी नहीं सकते, ढूंढ के कि डिलीट कर दे ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको सिंपल तरीका दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने फ़ोन का अदर फाइल को डिलीट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, व्यू ऐप डिटेल, आपको यहीं पे जाना है, व्यू ऐप डिटेल में जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे हर एक जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में, सारा एप्लीकेशन का डिटेल दिखा देगा, कितना ऑक्यूपाई करा हुआ है आपका एप्लीकेशन, आपका डेटा। तो आपको सबसे पहले टिकटॉक दिख रहा है, तो टिकटॉक में मेरा 8.57 MB ऑक्यूपाई करा हुआ है। तो इस पर आप देख सकते हो दोस्तों, ऐप साइज 276 MB सिर्फ है और जो ऐप डेटा है वो 581 MB है। तो आप इसको कैसे क्लीन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लीन कैश, तो ये एक कर देना सबसे पहले। ये करके देखिए दोस्तों, ये कैश डाटा क्लीन हो गया, फिर भी ऐप डाटा जो है वो अभी तक क्लीन नहीं हुआ। तो इसको आप क्लीन करने के लिए क्लियर ऑल डाटा करना होगा, तभी ये पूरा क्लीन हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये करते हो, क्लियर ऑल डाटा करते हो, तो आपको ऐसे एप्लीकेशन में फिर से लॉगिन करना होगा, फिर से हर एक परमिशन देना होगा। तो अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, मैं कर देता हूँ क्लियर ऑल डाटा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्लियर हो गया टिकटॉक का, तो इतना हमारा MB खाली हो गया होगा। यहाँ पे आपको क्रिएटर स्टूडियो दिख रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ डेटा, यहाँ पे बहुत कम है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और आप आगे जाओगे तो काइन मास्टर, तो काइन मास्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा UC ब्राउज़र, तो UC ब्राउज़र का ऐप डेटा है 18 MB, जो कि क्लीन करना ज़रूरी है, तो मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से और क्लियर ऑल डेटा कर देता हूँ। इसके बाद अब नीचे जाओगे तो बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपका बहुत सारा स्टोरेज खाया हुआ है, तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हो इसी तरह से। जैसे कोई एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ से ऑल डाटा क्लियर करके इसको क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे पूरा ऑल क्लियर करके कर सकते हो। लेकिन अगर आप फेसबुक वगैरह में ऑल डाटा क्लीन कर देते हो तो आपको फिर से लॉगिन वगैरह करना पड़ सकता है। तो अगर आपको पासवर्ड वगैरह याद नहीं है तो आपको ऑल डाटा क्लीन नहीं करना चाहिए, कैश सिर्फ क्लीन कर दो और ऑल डाटा आपको छोड़ना ही होगा, नहीं तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देख लेना आपको क्या करना है। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे आप अपने फ़ोन का अदर फाइल को डिलीट करके अपने स्टोरेज को बचा सकते हो, अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।